अब हम बात करेंगे राहु की वजह से। ठीक है, वो जी बोलते हैं कि शाम को ये चीज देखिए, मैं आपको इसका एक क्रक्स भी बता सकता हूं, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जो मजा इसकी एक एक लाइन को डिस्क्राइब करने में है, हाँ ताकि आप उस चीज की जो मतलब इंटेंसिटी को वो अंडरस्टैंड कर समझ सकते। सकते, वो समझ उन्होंने, सकते। अगर पंडित रूपचंद जोशी जी ने भी लिखा है तो किसी वजह से ही लिखा है ना, हाँ जी तो ठीक है। उन्होंने बोला कि शाम हुई, नींद का समय जारी हुआ, कुछ सफर की लहरें चलने लगी, मतलब अभी सोए ही थे, गहरी नींद में नहीं सोए थे, आंख लगी ही थी। जब हर तरह का आराम और शत्रुओं से बचाव का सामान मिल चुका था, तो अचानक बिजली की लहर फट निकली, सजा सजाया मकान जल उठा, मतलब ना रात की नींद हराम। या ऐसे इंसान को रात को नींद नहीं आती प्रॉपर, उल्टे सीधे सपने आते हैं, ठीक है, डर के उड़ जाना, या अचानक दुर्घटना हो जाना इंसान से, ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, घर बार सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने सोचा भी नहीं, अचानक ही सारा पासा पलट गया। ठीक है जी, हाँ जी ख्वाब भूला, नींद उचाट हुई। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप इस ऋण को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपने बर्थ चार्ट देखा, कॉम्बिनेशंस देखे, आपने बोला, आपके जहन में आया, आपने सोचा, जहन मतलब आपने सोचा, आपके मन में आया कि इंसान का जो है, इसका जी नेटिव का जो राहु है, उसको राहु का ऋण है, पितृ ऋण, ठीक है। लेकिन फिर आप उससे पूछेंगे, नींद नहीं आती, सपने आते हैं, कोई ऐसे अचानक आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इन चीजों को भी पूछिए कि किस हद तक वो कंपैक्टेबल, मतलब उसके साथ सही जा रहा है। हमें सिर्फ चार्ट को देख के, बर्थ चार्ट को देखकर, जन्म कुंडली को देखकर, उसमें हम देखिए, पंडित जी ने इसमें दो हिस्सों में चीजों को बांटा है, एक तो बताया कि ग्रहों की पोजीशन ये होगी, बराबर फिर उन्होंने सिम्टम्स बताए कि इस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम है तो ये सिम्टम्स जिंदगी में देखने को मिलेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उसका क्या बताया, रेमेडी बताई। तो हमारा भी ये ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी कि हम उन दोनों चीजों को जोड़ें, देखें दोनों चीजें हो रही हैं, सारे सिम्टम्स हैं उस इंसान की लाइफ के अंदर, बराबर ठीक है। जान के लाले पड़ गए, देर नहीं गुजरी कि करोड़ों अरबों के मालिक, नीलम के व्यापारी, दम के दम मिनटों सेकेंडों में खाक और बर्बाद हो गए। अब देखो, उन्होंने बहुत अच्छा यहां पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, सोना गुम हुआ, सोना क्या है, बृहस्पति, खुशहाली, बृहस्पति इज द सो, मतलब सिग्निफिकेटर, आपकी लाइफ में खुशहाली का सिग्निफिकेटर है। ग्यारहवें घर का भी मालिक बृहस्पति है, मतलब पक्का घर है बृहस्पति का, और दूसरा भी पक्का घर है बृहस्पति का, पंचम भी बृहस्पति का पक्का घर है, नवम भी बृहस्पति का पक्का घर। बराबर रात की नींद बृहस्पति और राहु की है, अगर सही आ रही है तो बृहस्पति सही है, अगर नींद उजाट की तो समझो कि राहु 12th हाउस आराम नहीं दे रहा, उसमें रोड़ा खा रहा बराबर है, ठीक है। सोना गुम हुआ, जगह बह जगह चोरी राहजनी, मतलब आपके घर में चोरी हो जाना, आपसे ठगी हो जाना, आपसे कोई लूट खसूट, चोरी वगैरह, डकैती हो जाना, राहजनी होता है कि रास्ते में आप पैसा लेके जा रहे थे, छीन के भाग गए, कितनी खबरें आप सुनने में को देखते हो, पैसा गबन कर लेना, या आपका पैसा किसी और द्वारा गबन कर लिया जाना। अब भाई, अब आप बैंक में हो, आपने पैसे का गबन कर लिया, ये नेगेटिव चीज होगी ना, बराबर कोई आपने किसी को पैसा दिया, 5 लाख दे दिए, तो उसने दिया ही नहीं, गबन कर लिया, वो भी नेगेटिव होगी।
ठीक है हाँ जी। फिर जो भी कोई ससुराल का संबंधी हुआ यानी 16 से 21 साल में पहुंचा, सिर में जख्मी ख्यालात का आलूदा गंदा जिस्म से बेदब बेडार बीमारियों का मारा, मतलब जिसकी शादी हुई या ससुराल में ऐसे लोग होना जिनको मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या उस इंसान के ख्यालात गंदे हो जाए। यहाँ गंदे ख्यालात का सीधा सीधा मतलब है कि उल्टे सीधे थॉट्स हो जाए, बराबर, किसी को सही निगाह से ना देखना, सेक्सुअली जो इम्प्रॉपर बिहेवियर, उल्टे सीधे काम करना, ठीक है, गलत आदतें जो यूथ में गलत आदतें हैं होती हैं, मतलब अपनी जवानी के टाइम में वो गलत आदतों की वजह से वो इतना कमजोर हो जाए कि जवानी में ही बूढ़ा और खोखला हो जाए अंदर से। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ समझ रहा हूँ। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। हाँ सर। कि जवानी में पैर रखा, रखते ही उसको गलत आदतें पड़ गई और जवानी तक पहुंचते पहुंचते या शादी तक पहुंचते पहुंचते इंसान फिजिकली तौर पे बहुत ज्यादा वीक हो गया, बराबर, ठीक है, ऐसी बात है ना। देखो ये पूरे सिम्टम्स से भरा हुआ है अगर आप देखें। हाँ जी। ग्रहों की पोजीशन भी बताई, साथ में सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, नशे करने लग जाना रीजन, ये भी गंदी सोच का नतीजा है ना, बराबर, या वो ड्रग्स लेने लग गया, या मतलब समझो कि मतलब औरतों के पीछे ज्यादा हो गया, लत लग जाना, जिसकी वजह से उसकी जो मतलब जवानी है, जो उसकी यूथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो उसकी बॉडी में ना रहना, बॉडी वीक हो जाना, बराबर, ठीक है। जिस कदर ज्यादा सोच समझकर अकल से काम लिया, उसी कदर निर्धन और बेमददगार पाया गया। जितना अपना दिमाग लगाएगा उसी तरह पैसा खराब ही कर देगा। अब देखो यहां एक दिमाग भी आ गया, दिमाग की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बुद्ध भी कनेक्ट हो जाता है ना, बराबर। अभी आप देखिए जो मस्नूई ग्रह का आपको मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें जो बुध है वो बृहस्पति प्लस राहु है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल प्लेनेट। हाँ जी। याद है या भूल गए? याद है इन चीजों को आप याद रखिए, ये आपको बहुत काम आएंगी। नहीं याद। अभी आप देखिए राहु की वजह से प्रॉब्लम्स आई तो सबसे पहले कहां कहां इंपैक्ट गया, बृहस्पति खराब हुआ, बुध भी खराब हो गया, क्योंकि बुध में भी 50% राहु का अंश है ना सिस्टम, बराबर, उसमें बृहस्पति प्लस राहु है, ठीक है ना जी। हाँ जी सर। शाम को सोया, ख्वाब में सोचा, तन्हाई में सोचा, मगर ये पता ना लगा कि सोना था वो नीले रंग में क्यों, मतलब खराब पीतल में क्यों, पीतल उससे भी मतलब उसका सोना खराब हो गया। सोना खराब होना मतलब कि आपकी घर की खुशहाली खराब हो जाना, बराबर। अगर आप मॉडर्न टाइम्स को छोड़ दें, उस टाइम में कौन कितना पैसे वाला कितना खुशहाल है वो कैसे सोचा था, जिस पर सोना बहुत होता है, बोला इनका बड़ा सोना है यार, बड़े अमीर लोग हैं, सही है ना, उनका सोना बिकना, अगर इंसान आज भी हिंदुस्तान में इंसान सोना तब बेचता है जब वो हर तरफ से टूट जाता है, फंस जाता है, सही है, जब उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं होती, उसको बहुत मजबूरी हो जाती है, तब वो अपना सोना बेचता है, बराबर। बहुत मतलब बेइज्जती की बात मानी जाती है सोना बेचना, सही है, इंडियन सोसाइटी में आप कहीं भी चले जाओ, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म में आप देख लो, सब जगह ये चीज आपको कॉमन मिलेगी। हाँ जी। ठीक है ना।
खानदानी फिर वो बोलता है ये तो हो गया मॉनिटरली इकोनॉमिकली मटेरियलिस्टिक तौर पे जो घाटे हो रहे हैं, साथ में बोलता है कि जो बाल बच्चे नौजवान है वो देखने में सुंदर बलिष्ठ और बहुत कद्दावर लंबे चौड़े दिखते हैं, लेकिन मगर सांस में क्यों रुकने लगे, मतलब वहां उस खानदान में दमा मिर्गी काली खांसी। देखिए अब दमा जो है वो भी सांस को लेके प्रॉब्लम है, काली खांसी भी सांस को लेके प्रॉब्लम है, सांस की जो उन्होंने बोला तरह तरह की तकलीफें, ये सब वायु को लेके प्रॉब्लम है। एक मिर्गी है जो मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं फिस्ट पड़ते हैं पड़ती है, उसको हम कहीं ना कहीं बुध से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सांस जो होती है वो बृहस्पति की होती है, हमने पहले भी पढ़ा है बराबर, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो बृहस्पति की है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो राहु की बराबर, लाल किताब यही बोलती है ना। हाँ जी, तो मतलब कि सांस की प्रॉब्लम्स होना, सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, वैसे ही जब बृहस्पति और राहु एक साथ हों किसी के चार्ट में तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसको अस्थमा वगैरह ऐसी दिक्कतें होने, बराबर ठीक है, अचानक मौतें हो जाना या मतलब किसी को जेल हो जाना, तो वो बोलते हैं कि जहां तक इस खानदान के खून का असर पहुंचा, काली मिट्टी की आंधी का जोर और जमाने का तकरार बढ़ता गया। बराबर, काली मिट्टी की आंधी, आप ऐसे लोग की मतलब एक तो उस इंसान को कहीं चैन नहीं आया, मतलब वही प्रॉब्लम्स हुई, एक आप अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स को भी ले सकते हो, जो बीमारियां सांस की बीमारियां, देखने में इंसान सुंदर है तगड़ा लग रहा है अच्छा शरीर कद काठी है, लेकिन उसको सांस सही नहीं आ रही तो उसका कोई फायदा नहीं है, मिट्टी है वो, बराबर ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला मुकदमेबाजी हो जाना, जमाने से तकरार लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, दुश्मन बहुत बढ़ जाना, ठीक है। वो बोलते कि जो न्याय करता है मुकदमे के फैसले उसने ऐसे मतलब सुनाए कि कुछ ना कुछ जुर्माना लगा दिया या जेल कर दी, और ये भी नहीं देखा कि कसूर भी है कि नहीं है, कसूर नहीं भी है तब भी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया गया, बराबर ठीक है। फिर बोला कि सभी हमने उपाय किए, हर तरह से जोर लगाया, मतलब हर चीज करते हैं। ये चीज देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो बात है वो सभी हम जो ऋण कर रहे हैं, मतलब बृहस्पति का, सूर्य का, चंद्रमा का, बुध का, शुक्र का, शनि का, राहु का, कोई भी ऋण कर रहे हैं, उसमें ये चीज है कि मतलब हमने पूरा जोर लगा लिया, हर उपाय करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पता नहीं लगा कि क्यों हो रहा है। ये आता है ना। हाँ जी, सबसे बड़ी यही, ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है, इंसान तमाम उपाय कर लेता है, उसको ये पता नहीं लगता कि ये दिक्कत मतलब कैसे मैं निकलूं कैसे, बराबर ठीक है। जो ये गुमनाम सजाएं आफलें और दिल दर्दी की बुनियादें खड़ी कर रहा है, मतलब बिना मतलब की सजाएं होना, लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम्स आना, हेल्थ के इशू आना, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम आना, दिमागी प्रॉब्लम आना, गोल्ड बिक जाना, गरीबी आना, और क्या बोलते हैं जो मिर्गी के दौरे हैं, ऐसी ऐसी चीजें होना, लूट खसूट हो जाना, अचानक बर्बादी हो जाना, करोड़पति थे अचानक उस पे आ गए। अब नीरव मोदी का केस ले लो, सही है, विजय माल्या का केस ले लो, बराबर, बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका आपको इफेक्ट क्या मिला है, आपने कई जगह देखा होगा कि सब कुछ ठीक होता है, फैमिली अच्छी होती है, अच्छा चलता है, लेकिन उनके घर में जो बच्चा है वो एडिक्शन में है, जुआ खेलता है, या तो जुए की लत है, नशे की लत है, या मतलब लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, या मतलब उल्टे सीधे काम कर रहा है, मतलब उसको कोई एडिक्शन लगी हुई है,
जिसकी वजह से पूरा मतलब खानदान खराब हो रहा है, वहां आप देखना आपको ये वाली दिक्कत देखने को मिलेगी, ये रहा हुआ है।